प्रयागराज। जी हाँ, वही प्रयाग जिसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, वही प्रयाग जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है, वही प्रयाग जहाँ त्रिवेणी संगम है। यहीं पर तीन पवित्र नदियों अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए विश्व भर से आते हैं। लेकिन इन सबके बीच चौंकाने वाली बात यह है कि प्रयागराज में आपको गंगा और यमुना नदी तो देखने को मिल जाएगी मगर सरस्वती नदी नहीं। आज तक किसी ने भी इस नदी को नहीं देखा, तो फिर क्यों ये स्थान त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है? क्या इस पवित्र नदी का कोई अस्तित्व है या फिर यह विलुप्त हो गई है? आइए सरस्वती नदी के इस रहस्यमय इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख भी मिलता है जहाँ इसकी महत्ता को दर्शाया गया है। संस्कृत की कई पुस्तकों में भी इसका उल्लेख है। वहीं वैज्ञानिकों ने भी इस नदी के होने का दावा किया है। चलिए जानते हैं कि इस पवित्र नदी को लेकर कौन कौन से मत प्रचलित हैं। सरस्वती नदी को लेकर विभिन्न धारणाएं। सरस्वती नदी को पुराणों में विशेष स्थान प्राप्त है। पुराणों में बताया गया है कि ये नदी आज भी बह रही है, लेकिन अब ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती। ये नदी गुप्त तरीके से बहती है जिसकी वजह से ये एक रहस्यमय नदी मानी जाती है। विज्ञान के अनुसार सरस्वती नदी हजारों साल पहले धरती पर थी, लेकिन अब ये नदी विलुप्त हो चुकी है, इसलिए अब इस नदी को देख पाना मुश्किल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हो गई थी, मगर एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण यह विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है, जबकि सरस्वती नदी कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, फिर भी यह अस्तित्व में बनी रही। चलिए जानते हैं कि इस मामले पर रिसर्च क्या कहती है। सरस्वती नदी पर जारी रिसर्च। दोस्तों, जब सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात होती है तो इसे नकारा नहीं जा सकता है। अलग अलग शोध बताते हैं कि इसके अस्तित्व को शास्त्र, पुराण और विज्ञान सभी ने माना है। वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी माना गया था। सरस्वती नदी को भी सिंधु नदी के समान दर्जा प्राप्त है। एक रिसर्च की माने तो लगभग 5500 साल पहले सरस्वती नदी भारत के हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी और आखिर में अरब सागर में विलीन हो जाती थी। मगर उस सरस्वती नदी के किनारे बसा राजस्थान खूब हरा भरा हुआ करता था। तब यमुना, सतलज और घग्गर इसकी प्रमुख सहायक नदियां थीं। बाद में सतलज व यमुना ने भूगर्भीय हलचलों के कारण अपना मार्ग बदल लिया और सरस्वती नदी से दूर हो गई। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हिमालय के पहाड़ों में प्राचीन काल से ही भूगर्भीय गतिविधियां चलती रहती हैं। जरूर ऐसा ही किसी हलचल के कारण सरस्वती का प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हुआ और वो मार्ग बदलकर बहने लगी। बदले मार्ग पर इस नदी को हिमालय से जल नहीं मिला और ये वर्षा जल से बहने वाली नदी बनकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे राजस्थान क्षेत्र में मौसम गर्म होता गया और वर्षा जल भी न मिलने के कारण सरस्वती नदी सूख कर विलुप्त हो गई। दोस्तों, दूसरे मत के अनुसार भूकंप के कारण जब जमीन ऊपर उठी तब सरस्वती नदी का पानी यमुना में गिर गया और सरस्वती नदी यमुना में जा मिली। प्रयाग को इसी वजह से तीन नदियों का संगम माना गया है क्योंकि यहाँ अभी भी सरस्वती नदी गुप्त तरीके से बहती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नदी अब विलुप्त हो गई है। ये नदी कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुंची, मगर अभी भी कुछ खोजकर्ता इस बात को मानने से इनकार करते हैं। सरस्वती नदी को लेकर आज भी रिसर्च जारी है। ताजा शोध के मुताबिक इसरो के वैज्ञानिक AK गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बरसात होती है, यहाँ भी 50-60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। नासा ने भी सैटेलाइट की मदद से इस नदी को लेकर कुछ फोटो लिए थे, जिसके मुताबिक ये नदी 8 किलोमीटर चौड़ी थी जो लगभग 4000 साल पहले प्राकृतिक बदलाव के चलते सूख गई। वहीं पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी हमारे बीच आज भी मौजूद है। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी, ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती का उल्लेख साफ साफ मिलता है, जिसमें ये स्क्रीन पर दिख रहा श्लोक कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती का अननवती और उदकवती के रूप में वर्णन मिलता है, जबकि महाभारत में सरस्वती नदी के प्रक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांडव और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ कहा गया है। कहते हैं कि इस नदी के किनारे ब्रह्मवर्त और कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज यहाँ जलाशय है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमजना का नाम दिया गया है।
जिससे ये साबित होता है कि सरस्वती नदी का वजूद था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही पूरी की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था, यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। इस नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल के रूपण नाम के हिमनद यानी कि ग्लेशियर से होता है। रूपण ग्लेशियर को सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है। नैतवार में आकर ये हिमनद जल में परिवर्तित हो जाता है, फिर जलधार के रूप में आदि ब्रही तक सरस्वती बहकर आती है और आगे चली जाती है। ये नदी इतनी विशाल थी कि पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों तक इसका विस्तार था। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में इस नदी में हमेशा भरपूर पानी रहता था। जिस तरह आज गंगा नदी को पूजा जाता है, उस समय लोग सरस्वती नदी को माँ का दर्जा दिया करते थे। स्कंद पुराण और महाभारत में इसका विवरण बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया गया है। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में ये नदी काफी हद तक सूख चुकी थी। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में ये फिर से पानी से सरोवर हो जाती थी। श्राप बना विलुप्त होने का कारण। तिब्बत सीमा से लगते देश के अंतिम गांव माड़ा में सरस्वती को देखा जा सकता है। माना जाता है कि ये भीम पुल के पास है और समके प्रयाग में सरस्वती नदी बहती है। कहा जाता है कि समके प्रयाग में नजर आने के बाद सरस्वती नदी जमीन के अंदर चली गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वो पाठ पूरा कर सकें। मगर शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वो एक दिन विलुप्त हो जाएगी। इस नदी को लेकर ये भी मत है कि श्राप के बाद सरस्वती नदी धरती में ही समा गई और गुप्त तरीके से बहने लगी। दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी के सिर से हुआ था। ये देवी इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। जब उन्होंने देवी सरस्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उस समय माता सरस्वती उनकी इस इच्छा से सहमत नहीं थी। इसीलिए वो नदी के रूप में जमीन के नीचे बहने लगी। यही वजह है कि भले ही आज ये नदी दृश्यमान नहीं है, मगर फिर भी इसकी पवित्रता की वजह से इसकी पूजा होती है। इसका महत्व भी उतना ही है जितना गंगा जैसी अन्य पवित्र नदियों को दिया जाता है। सरस्वती नदी का महत्व। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी देवी सरस्वती का ही एक रूप थी। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और रचनात्मक की देवी के रूप में पूजा जाता है, जैसे कि वेदों की रचना भी इसी नदी के तट पर की गई है। इसी वजह से इस नदी का महत्व और बढ़ जाता है। कई संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव और देवी पार्वती के संतानों में से एक कार्तिकेय को सरस्वती नदी के तट के पास देवसेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। वहीं भगवान विष्णु के एक अवतार परशुराम ने अत्याचारी राक्षस की हत्या के पाप के पश्चाताप करने के लिए सरस्वती नदी के पानी में स्नान किया था, जिससे उन्हें पाप से मुक्ति मिल सके। वहीं श्राप के कारण सरस्वती नदी भूमिगत होकर पाताल में चली गई। इसकी सात धाराएं पर्वतों पर बहने लगी, साथ ही पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने लगी, जिसके बाद यह नेमिषारण्य के पास एक स्थान पर पहुंची जिसे सप्त सारस्वत कहते हैं। तो साथियों कुछ ऐसा था सरस्वती नदी का इतिहास, जिसके कारण ये नदी हमेशा सवालों से घिरी रहती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों आपके शहर में कौन सी नदी बहती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।